मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, सहायक अध्यापक कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, प्रकरण भारतीय समाज का परिचय। आज हम लोग भारतीय समाज के परिचय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भारतीय समाज का परिचय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय समाज की संरचना के दो प्रमुख मूलाधार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग आश्रम व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण उसकी आयु संबंधी विशेषताओं के आधार पर किया गया है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया है। ये चार भाग ही आश्रम कहलाते हैं। और इसमें देखेंगे चार जो भाग हैं, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपने 25 वर्ष की आयु तक अपना जीवन व्यतीत करता था और 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और गृहस्थ आश्रम में वह 25 से 50 वर्ष की आयु तक अपना जीवन व्यतीत करता था। 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर फिर वह वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था और अंतिम में फिर 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर फिर वह संन्यास ले लेता था। इस तरह से देखेंगे इन सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। और यह देखिए, हम लोग देख लिए पहला मूलाधार यानी जो भारतीय समाज की संरचना का था। अब दूसरे व्यवस्था की तरफ चलेंगे हम लोग, वह वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज का दूसरा मूलाधार वर्ण व्यवस्था है। इसका संबंध भारतीय समाज में पाए जाने वाले चार प्रमुख स्तरों से है। इसमें चार स्तरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं। इन चारों वर्णों के स्पष्ट एवं अलग-अलग कार्य थे। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाना था। इस संगठन में विभिन्न वर्णों के विभिन्न कार्य या कर्म निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक वर्ण समाज के सुचारू रूप से संचालन हेतु निश्चित कार्य करना था। इसमें देखेंगे जो ब्राह्मण थे, इनका मुख्य कार्य यज्ञ कराना था। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य युद्ध करना था और वैश्य का प्रमुख कार्य व्यापार कार्य था। और जो शूद्र होते थे, उनका कार्य सेवा कार्य था। अब हम लोग इसके आगे देख लिए भारतीय समाज की मूलाधार या संरचना के जो मूल आधार थे। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पहली विशेषता देखेंगे, अनेकता में एकता। भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण अनेकता में एकता का होना है।
भारतीय सामाजिक संगठन के विभिन्न पक्षों में विभिन्न प्रकार की अनेकताएं हैं, जैसे भाषाओं, रहन सहन के तरीकों, वस्त्र, खाद्यान्न इत्यादि। इसमें देखेंगे और भी माने विशेषताएं इसमें है भारतीय अनेकता में एकता के, जैसे हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, कहीं पर मैदानी क्षेत्र तो कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र तो कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरह देखिए इतनी विभिन्नताएँ होने के बाद भी यहाँ एकता हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। भारतीय समाज की विशेषता में पहले हम लोग देख लिए अनेकता में एकता, अब दूसरी विशेषता देखेंगे भारतीय समाज की, संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय समाज का अन्य लक्षण संयुक्त परिवार प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत कई पीढ़ियों के लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली अनेक गुणों और दोषों के बावजूद आदि काल से विद्यमान है। संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, संयुक्त परिवार के बारे में हम लोग पहले देख लें। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता तथा अन्य पीढ़ियों के लोग रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। और इसके साथ देखेंगे एकाकी परिवार भी होता है। एकाकी परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, तो उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं। अगली जो विशेषता देखेंगे वह है विवाह के विभिन्न स्वरूप। भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किया गया है, जैसे एक विवाह तथा बहुविवाह। आदर्श विवाह के रूप में आज कानूनी रूप से एक विवाह को ही स्वीकार किया गया है। इसमें देखेंगे जैसे विवाह, एक विवाह किसको कहते हैं, एक विवाह जब एक स्त्री एक पुरुष से यानी विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहते हैं। जब एक स्त्री कई पुरुषों से या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे हम बहुविवाह कहते हैं। अगली विशेषता हम लोग देखेंगे भारतीय समाज की, अगली विशेषता जो है कर्म का सिद्धांत। भारतीय सामाजिक संगठन को रचनात्मक रूप देने के लिए कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक दशा में व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा देने के साथ ही उसे बिना किसी संघर्ष और स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से देखेंगे कर्म का सिद्धांत यह था, यह भी भारतीय समाज की एक विशेषता है। और इस तरह से हम लोग कई विशेषताओं के बारे में देख लिए, आगे और दूसरी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे हम लोग आगे। बस ऊपर वाला अगली जो विशेषता देखेंगे भारतीय समाज की, अगली विशेषता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को भी भारतीय समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। इसके लिए व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को चार मुख्य भागों में बांटा गया है। इन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहा जाता है। मैं देखेंगे हम लोग कि धर्म क्या है, धर्म का क्या अर्थ है। धर्म का यहाँ पर तात्पर्य है कि दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही धर्म कहलाता है। पूजा पाठ या उपासना धर्म नहीं कहलाता है। धर्म हमारा दूसरों के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाना ही या धर्म कहलाता है। दूसरा देखेंगे इसमें अर्थ
का यहाँ पर तात्पर्य है कि जब हम ईमानदारी से और सच्चाई से जीविका के लिए धन का अर्जन करते हैं तो उसे अर्थ कहते हैं। और अर्थ के बाद देखेंगे काम। काम का यहाँ पर तात्पर्य है कि बच्चे को जन्म देकर समाज की निरंतरता को बनाए रखना ही काम कहलाता है, तथा अंतिम जो है इसका मोक्ष का मतलब यहाँ तात्पर्य है मुक्ति से। तो इस तरह से देखेंगे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों को मिलाकर पुरुषार्थ का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे अगली विशेषता की तरफ आगे बढ़ेंगे कि भारतीय समाज की जो अगली विशेषता है वह पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। संसार में दो प्रकार के परिवार ही प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। इसमें पहला पितृसत्तात्मक, दूसरा मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता रहती है, तो मातृसत्तात्मक परिवार में माता की प्रधानता होती है। यद्यपि भारत में दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, भारत में प्रधानता पितृसत्तात्मक परिवारों की ही होती है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में एक और हम लोग देखेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार वह परिवार है जिसमें संपत्ति का सर्वे सर्वा पिता होता है और उसके बाद उसकी संपत्ति का जो अधिकारी होता है उसका पुत्र होता है। और इसमें देखेंगे शादी के बाद क्या होता है कि इसमें जो स्त्री होती है वह पुरुष के घर जाती है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में देखेंगे वहाँ पर सर्वे सर्वा माता होती है और वहाँ जो माता की जो संपत्ति होती है उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़की होती है। और इसमें देखेंगे विवाह के उपरांत जो विवाह के उपरांत यहाँ पर लड़के को लड़की के घर जाकर रहना होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ। ये सभी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ थीं।